ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 6। आप यहां पे देखेंगे कि जब अगर ऑब्जेक्ट कभी भी इंफिनिटी पे हो और इंफिनिटी से जब लाइट रेज किसी भी कनकेव मिरर से होकर के गुजरती हो, ऐसे में इमेज कहां पे बनेगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, कनकेव मिरर पे, इमेज किस जगह पे बनेगा? ऐसा हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे, है ना? तो क्या होगा, देखिए, हम मानते हैं कि इन्फिनिटी यहाँ पे है और यहां से जो लाइट रेज आएगी वो पोल पे सीधे आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे पोल तक लाइन ड्रॉ कर दिया, आप देख रहे होंगे लाइन पोल तक ड्रॉ हो गई, है ना। पहले की वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब भी लाइन पोल तक ड्रॉ होती है यानी कि पोल तक पहुंचती है, ऐसे में उतने ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, तो रिफ्लेक्ट कहने का मतलब कि हमेशा बाउंस बैक में समझेंगे, तो इसको हमने क्या किया, बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद से कहते हैं कि लाइन जो है वो सेंटर से होकर के गुजरेगी। तो जब लाइन सेंटर से होकर गुजरेगी, ऐसे में चलिए पहले तो लाइन सेंटर से चली गई, ठीक, और जब लाइन सेंटर से जाती है तो वो लाइन उसी पर फिर से यानी अपना पाथ रिट्रेस कर देती है, यानी उसी पर फिर से वापस चली जाती है। ऐसे में जो इमेज बनेगा वो आप देखेंगे कि इमेज किस जगह पे बन रहा है, तो इमेज एग्जैक्टली फोकस पर बन रहा है। ठीक है, इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम फोकस की बात करेंगे तो इमेज है फोकस पर। ठीक, लेकिन अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज किस तरीके का नेचर होगा इस इमेज का? ठीक, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि पोजीशन की क्या बात होगी। तो पोजीशन कहां पे है, पोजीशन ऑफ इमेज किस जगह पे है, पोजीशन ऑफ इमेज ये है एट फोकस, यानी कि फोकस पर है ना, फोकस। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसकी। यहां पे जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट सीधा रखा गया होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे सीधा रखा गया है, ऐसे में हम देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, और वो किस तरीके का बन रहा है, तो वो बन रहा है सबसे पहले इन्वर्टेड की अगर हम बात करें। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर इसका सर ऊपर है तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका सर नीचे होगा, है ना। और रियल, रियल यानी कि स्क्रीन के सामने, है ना, तो ये हो जाएगा रियल। और वेरी स्मॉल यानी कि जो इसका साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, है ना। तो एक बार फिर से आप गाइस समझिए कि अगर इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वहां से एक लाइट रेज गई पोल से होकर के, वो उतने ही एंगल के साथ वापस आ जाएगी, यानी ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद से वही लाइन जो है, एक दूसरी लाइन जो है वो सेंटर से होकर के गुजरेगी, और कनकेव मिरर से टकराने के बाद से, क्योंकि ये लाइन सेंटर से गुजरी है तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी उसी पर फिर से वापस जाएगी। तो ऐसे में जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, ठीक है। और ये इमेज जो फोकस पर बना है, इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा ये इन्वर्टेड, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा गया था तो इमेज उल्टा बनेगा, और रियल यानी कि मिरर के सामने बनेगा, और वेरी स्मॉल यानी कि इसकी साइज जो होगी वो बहुत छोटी साइज होगी, है ना। और साथ ही साथ अगर पोजिशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो वो फोकस पर बनेगा, है ना गाइस। इसके साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि ये किस जगह पे यूज होते हैं, तो जहां सोलर लाइट का यूज किया जाता है ना, सोलर रेडिएशंस का यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज होता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन यानी कि सोलर लाइट से आती हैं सोलर रेडिएशंस, ठीक है। और सोलर रेडिएशंस कहां से आती हैं, वो सन से आती हैं, ठीक है। और सन हमारे इनफाइनाइटली यानी कि बहुत ज्यादा दूर है, जिसको हम अंदाजा केवल लगा सकते हैं, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट से सन रेज आती हैं और उनको हम एक जगह क्या करते हैं, एक जगह सेंट्रलाइज करते हैं, एक फोकस पे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये उस जगह पे लगाया जाता है जहां पे सोलर रेडिएशंस का यूज किया जाता है ना। यानी कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आती हैं और उनको फोकस पर, उनके इमेज को यानी कि सेंट्रलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे आप जो दूसरा सेगमेंट पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो का, वो ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखें, यानी कि सी के पार रखें, ठीक है, तो ऐसे में इमेज किस जगह पे बनेगा। तो गाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल जो लाइट रेज रहेंगी ना उनको स्ट्रेट ड्रॉ करना है, और जो मैं इससे पहले वीडियो में जो आपको
सारे एक तरीके से तरीका बताया था कि कौन कौन से तरीके होंगे, किस तरीके से लाइट रेस कहाँ जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के किस जगह जाएगी, बस वो याद रखने हैं, वो चार स्टेप में मैं बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो जो कि पार्ट 5 है, ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं किस कॉन्सेप्ट से ये लाइट रेस को बना रहा हूं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए यहीं पे कि अगर जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड सी है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि एक लाइट रेस जो होंगी ये सीधे जाएंगी, ठीक। अब जब भी लाइट रेस सीधे जाती है, चलिए यहां पे लाइट रेस को हमने सीधा भेजा है, ठीक है, अब ये लाइट रेस क्या हुई, ये लाइट रेस जब सीधे गई, ठीक है, हे भगवान, हेलो गाइस, अब आप इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट में ये देखेंगे कि अगर लाइट रेज बियॉन्ड सी हैं, ऐसे में इमेज किस जगह पे बनेगा। तो लाइट रेज अगर बियॉन्ड सी है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कहां से, इमेज के एकदम ऊपरी हिस्से से, एक कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना। ये स्ट्रेट लाइन आप देखे होंगे कि यहां पे है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ना। अब ये लाइन जब, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, ऐसे में जो वो लाइन है वो कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। मैंने पार्ट 5 में इस चीज को बताया था, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो ये कहां से होकर के गुजरी, ये फोकस से होकर के गुजरी है लाइन, है ना, इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। अब क्या होगा कि यहां से एक लाइट रेस सेंटर से होकर के गुजरेगी, कहां से होकर के गुजरेगी, सेंटर से, ठीक है। तो चलिए हम सेंटर से एक लाइट रेस को गुजारते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो क्या बोलते हैं, ये मिरर, ठीक है, मिरर को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ठीक। और ये जब सेंटर से होकर के गुजरेगा, ठीक, तो सेंटर से जब कोई भी लाइट रेस गुजरती है तो वो उसी पर रिट्रेस करती है, उसी पर रिट्रेस करती है का मतलब कि जो लाइट रेस जिस पाथ पर आया था उसी पाथ पर वापस जाएगा। ऐसे में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे किए, बिटवीन सी एंड एफ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज अगर लिखने की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज ये लिखेंगे बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो इमेज रह रहा है वो बन रहा है, ठीक है। और किस तरीके का होगा, इसका नेचर क्या होगा, तो लिखेंगे नेचर में अगर आ जाए तो नेचर हो जाएगा रियल, रियल का मतलब कि मिरर के सामने, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, और क्या बन जाएगा, और इन्वर्टेड है, देखिए जो इमेज है हमने, ऑब्जेक्ट है हमने सीधा रखा था और इमेज उल्टा बना, ठीक, तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड, है ना। तो ये था दूसरा सेगमेंट जो ये बता रहा था कि अगर कोई भी कनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड सेंटर रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो इमेज कहां बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। लेकिन कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है यानी कि शीशे के सामने बनता है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनता है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। वीडियो के तीसरे सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऐसे में इमेज किस जगह पे बनता है। तो गाइस, जब भी अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो एक लाइट रेज हम पैरेलल पास कराते हैं, किसके पैरेलल वो लाइट रेज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से होकर के वो गुजरती है लाइट रेज, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, यहां से ऊपर से लाइट रेज गया और वो टकराया कनकेव मिरर से और फिर ये फोकस से होकर के वापस रिफ्लेक्ट हुआ। और जो दूसरी लाइट रेज होती हैं ये फोकस से होकर के जाती हैं और फोकस से होने के बाद जब ये टकराएंगी तो ऐसे में जो लाइट रेज होंगी ये पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये एक दूसरे को फिर इंटरसेक्ट कर देती हैं कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज यहां पे बनेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट भी रहा यहीं पे और इमेज भी रहा यहीं पे। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज,
तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वहीं पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल। रियल क्यों, क्योंकि ये मिरर के सामने है, ठीक है, इसलिए रियल हम यूज करते हैं। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उतना ही बराबर इसका साइज भी होगा, और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो जो इमेज बनेगा ये उल्टा बनेगा। तो गाइज उम्मीद है कि आप तीसरा सेगमेंट भी समझ गए होंगे। तो इस पार्ट में हम तीन सेगमेंट का कलेक्शन लेके आए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट तीन जो रे डायग्राम है उनका कलेक्शन लेकर के आएंगे, ताकि आप पार्ट वाइज इसको आप समझते रहें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, अगर हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके पीछे बस हमारा यही लॉजिक है, इसलिए हम इस पूरे चैप्टर को पार्ट वाइज पोस्ट कर रहे हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये पूरा ही वीडियो लेसन जो था ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस पे डे बाय डे अपलोड हो रहे हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी इस चैनल से बखूबी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही,